हेलो एवरीवन, आज मैं जो मिठाई बनाने जा रही हूँ वो है सूजी की मिठाई। इसे हम दो तरीके से बनाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, उसमें मैंने ये ली है बारीक सूजी 1.5 कप, जिसे मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। आप एक बार सूजी को अच्छे से छान कर ही तभी ये मिठाई बनाएं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे छान लिया है और अब मैं इसमें मिलाऊंगी, ये है शुद्ध देसी खांड। ये चीनी से थोड़ी बेटर क्वालिटी होती है, तो आप के पास अगर ये हो तो आप इसमें मिलाएं, नहीं तो आप चीनी को भी पीसकर इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे उसी कप से आधा कप चीनी भी मिला दी है और अब मैं इस पर मिला रही हूँ ये 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। इसमें बस बेकिंग पाउडर ही मिलाना है और कुछ भी नहीं, ना तो इनू और ना ही सोडा। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और फिर अब मैं इसमें मिलाऊंगी जिस कप से मैंने ये सूजी ली थी, उसी कप से मैंने यहाँ पे ये 1 कप दूध लिया हुआ है। अब इसमें हम इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसे हल्के हाथों से अच्छे तरीके से आप मिला लें। देखिए, इसे बहुत ज़्यादा देर तक ना चलाएं, बस ये जब तक अच्छे से मिक्स हो जाए बस उतना ही चलाकर इसे आप फिर रख दें। और ये देखिए, इसमें 1/4 कप दूध बच गया था। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए रख दूंगी और फिर तब तक हम यहाँ पे अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैं बनाऊंगी शुगर सिरप, जिसके लिए मैंने लिया है सेम कप से ही 1 कप चीनी और 1.5 कप पानी, जिस कप से मैंने सूजी ली थी उसी कप से। आप कोई भी कटोरी या ले सकते हैं इसमें। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस कोल को गैस पे चढ़ा दिया और फिर अब मैंने इसमें डाल दी थी ये छोटी इलायची। तार की चाशनी बनानी है, बस हल्की सी चिपचिपी रह जाए बस उतनी ही ये चाशनी बनानी है। इस तरह से चाशनी यहाँ पे बॉयल हो जाएगी, गैस की फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे। अब ये देखिए, तब तक हम बैटर को भी देख लेते हैं। ये देखिए, अच्छे तरीके से अब फूल गया है, आधे घंटे हो गए हैं लगभग। तो अब हम इसे देखते हैं, ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो इसमें मैं ये जो दूध बचा हुआ था इसमें से ये थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें थोड़ा और मिला लूँगी। इसमें लगभग 4-5 चम्मच दूध और मिलेगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। ये हमें केक के बैटर से थोड़ा सा ये बैटर गाढ़ा रखना है। और अब मैंने यहाँ पे ये केक टिन लिया है, जिस पे मैंने बटर पेपर लगाकर थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है और फिर हम इस बैटर को इस केक टिन में डालकर बेक करेंगे। मैंने ओवन को 180 डिग्री पर फ्री हीट कर रखा है और इस तरह से इसे फैलाकर अच्छे तरीके से बराबर फिर हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे लगभग 45 मिनट्स के लिए। पहले मैं इसे 30 मिनट्स के लिए रखूँगी, फिर बीच में चेक करके इसकी टाइमिंग को और बढ़ाऊँगी। इसे हमें ऊपर से अच्छा खासा ब्राउन करना है इस तरह से। ये देखिए, अब मैंने इसके यहाँ पे ये देखिए 30 मिनट्स के लिए रखा हुआ है और फिर चेक करके मैं इसकी टाइमिंग को बढ़ाऊँगी। तब तक यहाँ पे गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा था तो ये चाशनी भी धीरे धीरे पक गई है। ये देखिए, ये चाशनी हमारी यहाँ पे बनके तैयार है। ये थोड़ी सी चिपचिपी हो गई है, हम इसके इसी स्टेज पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, नहीं तो ये चाशनी बाद में ठंडी होकर थोड़ी और भी गाढ़ी हो जाती है इसलिए। और फिर देखिए, ये 45 मिनट बाद लगभग हमारा केक बनकर अच्छे तरीके से तैयार है। ये थोड़ा सा हार्ड है और ये भी थोड़ा गर्म है, तो फिर ठंडा होने पर ही मैंने इसे पलट लिया था
इस तरह से आप टैप करोगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल आएगा। और फिर ये जो बटर पेपर है इसे मैं हटा दूँगी इस तरह से। अब देखिए ये थोड़ा सा अभी आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसमें शुगर सिरप डालेंगे तो ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगा। अगर हम इसे केक की तरह सॉफ्ट बनाएंगे तो हमारा जैसे ही हम इस पर शुगर सिरप थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो ये पूरा फैल जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए कट करके हम इस पर फिर पलट के आगे की तरफ से इस पर सीधी साइड से ये शुगर सिरप डाल लेंगे। और शुगर सिरप थोड़ा सा गर्म होना चाहिए तभी आप इस पर ये डालें, क्योंकि केक अच्छे तरीके से बिल्कुल ठंडा हो गया है तो फिर इसलिए शुगर सिरप थोड़ा गर्म होगा तो इसमें अच्छे तरीके से ये अंदर तक चला जाएगा, जिससे ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। ये देखिए इस तरह से एक बार डालकर फिर 2 से 3 मिनट बाद इसे रेस्ट करने दें, फिर उसके बाद इसमें हम थोड़े से और शुगर सिरप डाल देंगे और फिर अपने पसंद के ड्राई फ्रूट से आप इसे गार्निश करें। मैं यहाँ पे इस पर कूटी हुई पिस्ता डाल रही हूँ इस तरह से। ये देखिए मैं एक आपको निकाल कर दिखाती हूँ, यह अंदर से कितने ही सॉफ्ट और ऊपर से क्रंची बनकर तैयार हैं। यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए ये सॉफ्ट भी है और क्रंची भी है। इस तरह से मैंने यहाँ पे ये इसे काजू और पिस्ता से गार्निश कर लिया। अब मैं यहाँ पे आपको ये थोड़ी सी रबड़ी डालकर भी दिखाती हूँ किस तरह हम इसी मिठाई पर रबड़ी डालकर भी सर्व कर सकते हैं। ये इस तरह से भी रबड़ी के साथ ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप दोनों तरह से इस मिठाई बनाकर सर्व कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से अब मैंने इसके ऊपर ये कूटे हुए काजू और ये पिस्ता यहाँ पे डाल दिए हैं। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। तो लीजिए ये हमारी 2 तरह की सूजी की मिठाई बनकर तैयार है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ये कैसी बनी थी। प्लीज़ अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।